औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए बिहार से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब ने आने वाले 2024 के लोकसभा को इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी का साथ मांगा है। जी हां, आज विपक्षी दल एक होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा, क्योंकि आज जिस तरह से मुसलमानों की, दलितों की और मजलूमों की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बने हुए हैं और जिस तरह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार अपने मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं और अपने मुद्दों को लेकर जिस तरह से बेबाक अंदाज के जरिए से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ मांगते हुए विपक्षी दल दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आज एक गठबंधन बनाया जा है, उस गठबंधन का हिस्सा इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी होंगे, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया गया है जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी परेशान हाल हो चुकी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का चाहने वाले जिस तरह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को लेकर कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा, क्योंकि मजलिस यहाँ पर किंग मेकर का रोल अदा करती हुई दिखाई देगी। तो आप सब मिलकर ऐसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ देकर मजलिस को कामयाब बनाएं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में मजलिस का साथ देकर मजलिस को कामयाब बनाएं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़े रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब